हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गुरदीप एंड वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चरल क्लासेस। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एंटमोलॉजी। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एंटमोलॉजी? एंटमोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इट इज कॉल्ड एज एंटमोलॉजी। सो एंटमोलॉजिस्ट हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट 9 lakhs ऑफ इंसेक्ट स्पीसीज आर देयर ऑन अर्थ, अबाउट 9 lakhs। And entomologists also discovered that there are 7,000 to 10,000 new species of insect each year. Means each year there are many more insect species are evolving. There are new species are coming. So if we look over the history of the insects, it is found that from fossil fuels, it is about 30 million year ago the insects were on earth. Means ki 300 lakh saal pehle se जो इंसेक्ट्स हैं अर्थ पे सर्वाइव कर रहे हैं। ये इंसेक्ट्स की हिस्ट्री हमको फॉसिल के रिकॉर्ड से पता चलती है। तो इंसेक्ट्स आर फ्रॉम एन एंशियंट लाइनेज दैट इंक्लूड ट्राइबलाइट्स। तो ये बहुत ही पुराने एज से हैं, बहुत ही एंशियंट एज से बिलोंग करते हैं। एंड अदर आर्थ्रोपोडास विच वर एबुंडेंट इन द ओशन ओवर 500 मिलियन ईयर एगो। जो 500 मिलियन साल पहले आर्थ्रोपोडास को जो समुद्र में भी रहते थे वो भी पाए गए हैं। ट्राइबोलाइट्स एंड आर एक्सटिंक्ट। जो ट्राइबोलाइट थे वो एक्सटिंक्ट हो गए, बट वी आर सराउंडेड बाय अदर ऑर्थोपोडास। लेकिन जो अदर ऑर्थोपोडास हैं वो अभी भी अर्थ पर हमारे चारों तरफ रहते हैं। सो क्लासिफिकेशन ऑफ आर्थ्रोपोडास। आर्थ्रोपोडा की जो हायरार्की है वो डिफरेंट तरह से की गई, जैसे पहले किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसका आप क्लासिफिकेशन हायरार्की जानते होंगे। ये क्यों किया गया? क्योंकि अलग अलग जो एनिमल्स हैं या किंगडम्स हैं या जितने भी जानवर हैं अर्थ पे एनिमल्स हैं, तो सबको आइडेंटिफाई करने के लिए एक उनका हायरार्की क्लासिफिकेशन कर दिया गया, जिससे कि हमको पता चल सके कि ये पर्टिकुलर जो एनिमल है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये इस पर्टिकुलर ब्रांच से बिलोंग करता है। तो इस तरह से इनको डिफरेंट किंगडम, फाइलम वगैरह में इसको डिवाइड किया गया। तो आर्थ्रोपोडा भी इसी तरह से डिवाइड किया गया है। तो जो हम इंसेक्ट्स की देखते हैं, जो किंगडम फाइलम कौन सा है, तो हम अगर इंसेक्ट्स का जो किंगडम है वो एनिमेलिया में आते हैं, और जो फाइलम है इनका वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं, और क्लास जो है इंसेक्टा है, और क्लास के इंसेक्ट या एरेचिडा है। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा इज डिवाइडेड इन टू क्लासेस। जो फाइलम आर्थ्रोपोडा वो कई क्लासेस में डिवाइड किया गया है। जैसे कौन सी क्लास है? इंसेक्टा, जिसमें कि इंसेक्ट्स आते हैं। एरेचिंडा जो है इसमें माइट्स एंड टिक्स, स्पाइडर्स, अदर्स आते हैं। उसके बाद है क्रस्टेशिया, इसमें हम कौन से को रखते हैं? सोबग्स, क्रैब्स, श्रिम्प्स, लोबस्टर, क्रिल एंड अदर हैव मैनी इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप। देन है डिप्लोपोडा, डिप्लोपोडा में मिलीपेड्स आते हैं। उसके बाद है चिलोपोडा, उसमें सेंटीपेड्स आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट है इंसेक्ट्स आर इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा जॉइंट लेग। तो उनकी सबसे स्पेशली या करेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनकी जो लेग्स होती हैं वो जॉइंट होती हैं, वो जॉइंट्स होती हैं उनकी लेग्स ऐसे। द फाइलम इज डिवाइडेड इंटू 6 smaller ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस। कौन सी क्लासेस हैं इसकी? क्रस्टेशिया के अंदर क्रैब्स, लोबर्स, श्रिम्प्स आते हैं। चिलोपोडा में सेंटीपेडास आते हैं। डिप्लोपोडा में मिलीपेड्स आते हैं। साइमीफिला में सेमिलियंस आते हैं। आर्कटिंडा में स्पाइडर माइट्स आते हैं। इंसेक्टा में इंसेक्ट्स आते हैं। ये सब जो पहले भी मैं एक बार बोल चुका हूँ, फिर से दोबारा एक किसी और पर्टिकुलर की तरह किया गया है, सिर्फ पर्टिकुलर इसमें इंसेक्ट्स ही बताए गए हैं। व्हाट इज एन आर्थ्रोपोडा? तो आर्थ्रोपोडा तो हमने क्लासिफिकेशन क्या कर दिया, लेकिन आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है जो हम समझने की कोशिश करते हैं। आर्थ्रोपोड इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 Greek और लैटिन वर्ड्स, दैट इज आर्थ्रो मीन्स जॉइंट एंड पॉड मीन्स पौड़ा मीन्स फुट और लेग। मीन्स ऐसे जानवर, ऐसे एनिमल्स, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी लेग्स जॉइंट हो, ऐसे को हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं कि एक चींटी है जिसको दिखाया गया, उसकी लेग्स जो है इस तरह से जॉइंट है, यहाँ पे
जॉइंट अलग अलग पार्ट्स हैं उसके। हेयर इट रेफर्स टू ए मेम्बर ऑफ वेरी लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स दैट इज फाइलम आर्थ्रोपोडा दैट इज जॉइंट फुट एनिमल्स। फीचर ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा, तो फीचर क्या है उसके, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक तो हमने मेजर बोल दिया कि जिसके जॉइंट लेग्स हो, उसके बाद है पेयर जॉइंट लेग्स, सेगमेंटेड बॉडी, तो उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, सेगमेंट्स में ब्रेक होती है। देन बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री मीन्स सिमेट्रिक होते हैं, सिमेट्रिक आप समझते होंगे जो चीज़ इस तरफ है वही इस तरफ भी सिमिलर होगी, ये डिसिमिलर बनाई मैंने, लेकिन सिमिलर क्या होगी, जैसी इधर है वैसे ही इधर होगी। तो जैसे हम आइसोसेलस ट्रायंगल देखें तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिक होता है, सेम इस तरफ और सेम इस तरफ, तो इस तरह से ये बाइलेटरल सिमेट्री में होते हैं। एक्सोस्केलेटल होते हैं विथ चिटिन एंड मोल्टिंग। देन ट्यूबुलर डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ एंड एनस, तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम ट्यूबुलर होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, डोर्सल एंड ट्यूबुलर हार्ट होता है। उसके बाद है स्ट्रेटेड स्केल्टल मसल होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं मतलब कि स्ट्रेट्स में होते हैं। बॉडी कैविटी इज ए ब्लड कैविटी, ब्लड बाथ्स ऑर्गन्स, इसमें ब्लड बाथ्स होते हैं। देन अदर फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा क्या है, नर्व सिस्टम, नर्व सिस्टम क्या होता है, एंथीरियर ब्रेन लोकेटेड अबव द एलिमेंट्री कैनल, पेयर्ड कनेक्टिविटीज जॉइंट ब्रेन टू पेयर्ड वेंट्रल नर्व्स, कॉर्ड लोकेटेड बिलो एलिमेंट्री कैनल, पेयर्ड गेंजिलिया और सेगमेंट। तो इसमें पेयर्ड सेगमेंट होते हैं जो इसका ब्रेन होता है, अबोथ एलिमेंट्री कैनल होता है, तो इस तरह से इसका नर्व सिस्टम डिफाइन किया गया है। फिर रहते हैं एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम क्या होता है, मालपिजन होता है, ट्यूबलर्स कलेक्ट वेस्ट इन ब्लड, तो मालपिजन ट्यूबलर्स होते हैं वो वेस्ट ब्लड से कलेक्ट करते हैं, एम्प्टी इन टू द हिंड गट, तो बैक जो हिंड गट होता है उसमें डिलीवर करते हैं। नेक्स्ट जो देखते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो रेस्पायरेटरी सिस्टम इसमें क्या होता है, गिल्स होते हैं या ट्रैक्स होते हैं या स्पायरिकल्स होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। नो किल्स नेफ्रिडिया पाए जाते हैं, इनमें सिलिया या नेफ्रिडिया नहीं होते हैं। सेक्सेस नियरली ऑलवेज सेपरेटेड, उनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, सम आर नॉन फ्रॉम फीमेल एंड पॉपुलेशन ओनली, किसमें सिर्फ फीमेल पॉपुलेशन ही होती है। देन ऑल आर्थ्रोपोडा शेयर द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स, कौन सी होती हैं, सेगमेंटेड बॉडी, देखो मैंने जो पहले डिफाइन किया है उनको मैं बताने की कोशिश करूँगा कैसे। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो बीटल्स दिखाए गए हैं या ये स्पाइडर दिखाया गया है, इनकी सेगमेंटेड बॉडी है, इसका फोरहेड, देन ये स्टोमक, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस एंटीनास, देन लेग्स, ऑल आर जॉइंट एंड दे आर सेगमेंटेड इन डिफरेंट पार्ट्स। ये स्पाइडर में देखें इसकी जो लेग्स हैं ये सेगमेंटेड हैं, जॉइंट है, ये देखो डिफरेंट प्लेसेस पे जॉइन हुई हुई है, तो इस तरह से इसको हम आर्थ्रोपोडा में रखा गया है। देन ऑल आर्थ्रोपोडास हैव पेयर्ड जॉइंट लेग, तो इसमें लेग्स जो पेयर होते हैं, एक इधर सेम होगी तो इधर भी सेम होगी, एक इधर सेम होगी तो इधर भी सेम होगी, इधर भी सेम होगी तो इधर भी सेम होगी, ये जॉइंट सिमेट्रिक पेयर्स होती हैं। तो ये डिफरेंट इसके पार्ट्स हैं लेग्स के, क्या बोलते हैं इसको, ये डिफरेंट फिगर में दिखाए गए हैं इसके पार्ट्स। देन ऑल आर्थ्रोपोडास हैव सिटिनस एक्सोस्केलेटल, तो ये क्या करते हैं, विच पीरियडिकली शेड एंड रिन्यूड एज एनिमल ग्रो, तो इसके जो आर्थ्रोपोडास की जो स्केल्टल होता है वो बदलते रहते हैं, वो ओल्ड को छोड़ देते हैं, न्यू को धारण कर लेते हैं, न्यू को ले लेते हैं। ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इंसेक्ट है कोई भी जो कि अपना ओल्ड बॉडी को छोड़ रहा है और न्यू बॉडी को एक्वायर कर लिया उसने, ये इसमें से अंदर से निकल के ये नया बॉडी इसने चेंज कर लिया है, जैसे कि आपने स्नेक देखा होगा जो अपनी अपर लेयर को निकाल देता है और रिन्यू कर लेता है, इस तरह से इनमें से भी कुछ आर्थ्रोपोडास रिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है ऑल आर्थ्रोपोडास हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, तो आर्थ्रोपोडास की डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसमें तीन पार्ट्स मेन है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। तो फोरगट में ये फूड को कंज्यूम करता है एंगल्फ करता है, मिड पार्ट में डाइजेशन होता है और हिंडगट में इसका एक्सक्रेशन होता है। तो इसके डिफरेंट पार्ट्स दिखाए गए हैं इस फिगर में, सलाइवा ग्लैंड्स, क्रॉप एंड मैनी अदर पार्ट्स विच आर इसेंशियल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। देन ऑल आर्थ्रोपोडास हैव ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कौन सा होता है, नो वेन आर्टरीज एक्सेट्रा, इसमें कोई वेन आर्टरीज नहीं होती है, ब्लड इज हेल्ड इन ए
डोर्सल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, तो ये हम देख सकते हैं इस डोर्सल वेसल जो है इसमें इसका ब्लड सिर्फ होल्ड होता है, बाकी और कहीं ब्लड नहीं होता है, विद लेटरल ओपनिंग इन द एब्डोमन। तो एब्डोमन में इसकी लेटरल ओपनिंग्स हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटर में ब्लड होता है और इसकी यहाँ पे ओपनिंग्स होती हैं। देन ऑल आर्थ्रोपोड्स हैव वेंट्रल नर्वस सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ टिनी ब्रेन पेयर नर्व कॉर्ड्स विद एक्सटेंडेड फ्रॉम ब्रेन बैकवर्ड एंड नर्व सेंटर कॉल्ड गेंटिलिया। तो इसका नर्व सिस्टम दिखाया गया है, ये आप जानते होंगे न्यूरॉन है जो कि मेन स्टिमुलेटरी का वर्क करती है या कोई भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है, या हमारा नर्व सिस्टम इससे मिलकर ही बना होता है। तो ये नर्व सिस्टम दिखाया गया है किसी एक इंसेक्ट का। देन ऑल आर्थ्रोपोड्स ब्रीथ बाय मींस ऑफ गिल्स और ट्रैकिया एंड स्पाइकल्स। तो जो इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है जिससे कि ये ब्रीथ करते हैं, ये गिल्स या ट्रैकिया से करते हैं जो कि बॉडी में इसमें पूरे में फैले हुए रहते हैं, तो यहाँ से ये रेस्पिरेशन करते हैं। द क्लास क्रस्टेशिया लोबस्टर श्रिम्प क्रैब पिलबग्स एटसेट्रा हैव टू पेयर ऑफ एंटीनास एंड एटलीस्ट फाइव पेयर ऑफ लेग्स। तो जो इस क्रस्टेशिया में रखा गया है इसके एटलीस्ट फाइव पेयर तो लेग्स होते हैं और एंटेना होता है, एंटेना बोलते हैं जिससे वो सेंस करता है। अगर हम इस चीज़ को देखें इसका अपर पार्ट, ये दो एंटेनास लगे हुए हैं जिससे कि वो अपनी फूड को सेंस करता है या उसको कोई अगर एनी एंडेंजरस सिचुएशन है उसको सेंस करता है। जैसे ये इसकी एंटीना है, ये पार्ट इसका एंटीना है, ये वाला पार्ट जिसका एंटीना दिखाया गया है जिससे कि ये सेंस करने का काम करता है। द क्लास चिलोपोडा डाइलोपोडा डिप्लोपोडा एंड सैम्फिला सेंटीपेड्स मिलीपेड्स एटसेट्रा हैव एंटेने मैनी लेग्स एंड ओनली टू बॉडी रीजन्स दे एड सेगमेंटेड एज दे मोल्ट। तो इसमें बहुत सारी लेग्स होती हैं जो इस फिगर में दिखाया गया है, ये चिलोपोडा डिप्लोपोडा एंड सिम्फोला के अंडर में आते हैं। इसमें दो एंटेना रहते हैं और बाकी लेग्स रहती हैं। द अर्चिंडा हैव एट लेग्स एंड नो एंटेना, इसमें आठ लेग्स होती हैं एटलीस्ट और कोई भी इसमें एंटेना नहीं होता है। दे आर इन ए ग्रुप ऑफ आर्थ्रोपोडा दैट डाइवर्ज फ्रॉम द इंसेक्ट इन द मिड पैलियोजेनिक। तो ये इससे सेपरेट आर्थ्रोपोडा से डाइवर्ज है। तो अगर हम एक फैक्ट देखें, एटलीस्ट हाफ ऑफ मीन्स 50 to 80% ऑफ द एनिमल स्पीसीज करंटली ऑक्यूपाइंग द अर्थ आर इंसेक्ट्स। अप्रोक्सीमेटली 1.5 million डिफरेंट एनिमल स्पीसीज मीन्स कि 50 to 80% जो एनिमल्स हैं अर्थ पर जितने भी सर्वाइव कर रहे हैं उनमें से वो 50 to 80% इंसेक्ट्स ही हैं। मोर देन 1 million स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स ओवर वर्ल्ड वाइड। तो 1 million से भी ज़्यादा डिफरेंट इसकी स्पीसीज हैं। ओवर 13,000 स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स नोन फ्रॉम द फ्लोरिडा। तो 13,000 से ज़्यादा स्पीसीज तो सिर्फ फ्लोरिडा में ही देखी गई हैं। न्यू स्पीसीज अपीयर ऑलमोस्ट डेली ड्यू टू शिपमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड अदर मटेरियल्स इन टू द फ्लोरिडा एंड अब्रॉड। तो इस तरह से बहुत सारी नई नई स्पीसीज हर दिन देखने को मिलती है। ऑफ ऑल द इंसेक्ट एंड स्पीसीज इन द वर्ल्ड अबाउट 1% कंसिडर टू बी पेस्ट। अब हम इनका एंटेमोलॉजी की स्टडी क्यों कर रहे हैं, आखिर हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही स्टडी करने की एंटेमोलॉजी, क्योंकि हमको हम तो एग्रीकल्चर कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम इंसेक्ट्स में या एंटेमोलॉजी में क्यों इंटरेस्टेड हैं। तो इंटरेस्टेड इसलिए हैं क्योंकि जितना भी पॉपुलेशन है, 1 million से ज़्यादा स्पीसीज है या 90 million से ज़्यादा फाइलम्स हैं किंगडम्स हैं, तो इतने ज़्यादा इंसेक्ट्स होने के बावजूद सिर्फ उनमें से 1% ऐसे हैं जो कि हार्मफुल है एग्रीकल्चर के लिए, जिसको हमने पेस्ट नाम दिया है। तो इस 1% पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम जो नए नए इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, फंगीसाइड्स यूज़ करते हैं, इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ 1% को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है, और इस हार्मफुलनेस को कम करने के लिए हम एंटोमोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं, इंसेक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, कैसे हम इनको रिमूव कर सकते हैं, कैसे हम इससे बच सकते हैं, अपनी एग्रीकल्चर को बचा सकते हैं जो हमारी फसल को या क्रॉप को वेस्ट करते हैं, ख़राब करते हैं। तो इसलिए हम एंटोमोलॉजी की स्टडी कर रहे हैं। और जो बाकी 99% है या तो बेनिफिशियल है, अगर बेनिफिशियल या हार्मफुल नहीं है तो वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो कुछ
हम नहीं कर रहे हैं हमारी। देन रिलेशन ऑफ इंसेक्ट्स टू द ह्यूमन, तो रिलेशन क्या है, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, कुछ बेनिफिशियल है। पोलिनेशन, ब्रेक डाउन रॉ मटेरियल्स, एरेड सॉयल, बायो कंट्रोल ऑफ वीड एंड बग्स, फूड फॉर मैनी एनिमल्स, मेडिकल यूजेस। तो इतने पर्पजेज के लिए तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। पोलिनेशन करते हैं, जो रॉ मटेरियल उनका ब्रेक डाउन करते हैं, वीड्स को ख़त्म करते हैं, फूड एनिमल्स के लिए यूज़ करने के लिए एज ए फूड मिलते हैं। तो इस तरह से ये बेनिफिशियल है। एस्थेटिक वैल्यू क्या है, बटरफ्लाइज है, एस्थेटिक वैल्यूज है हमारे लिए। एंड इंजूरियस क्या है, फीड ऑन द प्लांट्स, जो इंजूरियस है हमारे लिए, जिसको हम पेस्ट कहा है, फीड ऑन द प्लांट, स्टोर फूड, वुड्स, फैब्रिक्स, ह्यूमन एंड एनिमल्स, ये हम सबको हार्म कर रहे हैं, प्लांट्स को, स्टोर्ड फूड को, सबके लिए हार्मफुल है, इंजूरियस है। तो हमने एक इंसेक्ट को यहाँ पे दिखाया है जिसमें कि इसके डिस्टिंक्ट पार्ट्स को शो करने की कोशिश की गई है। फर्स्ट है हेड, तो ये फ्रंट पोर्शन को हेड कहा गया है। देन दिस पोर्शन इज कॉल्ड थोरेक्स। देन जो हिंड पोर्शन है इसको हमने एब्डोमन कहा है, और ये इसकी लेग्स हैं, ये हिंड विंग है, ये फोर विंग है, तो ये उड़ने के लिए काम आ सकता है। लेकिन ये विंग्स सब इंसेक्ट्स में प्रेजेंट नहीं होते, किसी में होते हैं, किसी में नहीं भी होते हैं। तो हमने इसको इंडिविजुअली पार्ट्स को दिखाने की कोशिश की है। ये फ्रंट पोर्शन है, दैट इज हेड, फंक्शन मेनली फॉर फीडिंग एंड सेंसिंग प्रिसेप्शन, तो ये फीडिंग के लिए और सेंस करने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है द थोरेक्स, रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, मेकअप थ्री सेगमेंटेड, ए पेयर ऑफ लेग्स अराइज फ्रॉम ईच सेगमेंट, विंग्स इज प्रेजेंट अराइज फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड सेगमेंट। तो ये सेगमेंटेड बॉडी से, जो सेकेंड थोरेक्स है, यहाँ से इसकी दो या तीन लेग्स निकलती हैं, ये तीन पार्ट्स में होता है और ये लोकोमोशन में यूज़ आता है। देन है एब्डोमन, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो एब्डोमन है ये एक्सक्रेशन एंड रिप्रोडक्शन के लिए काम आता है। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, जिसको हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं या मेटामॉर्फिस कहते हैं। तो मेटामॉर्फिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंज फ्रॉम एग टू एडल्ट। तो एग टू एडल्ट में चेंज होने के लिए कुछ प्रोसेस है जिसके थ्रू जाता है, जिसके थ्रू इसको गुजरना पड़ता है, तो इसको हम मेटामॉर्फिस कहते हैं। तो सबसे पहले एग्स होते हैं, एग्स के बाद फिर लार्वा होता है, फिर प्यूपा होता है, फिर एडल्ट बनता है। तो चार स्टेज में, ये डिपेंड करता है अलग अलग इंसेक्ट पे कि वो तीन या चार या पाँच स्टेज में भी जा सकता है। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें जो मेल होते हैं उसको हम एडल्ट बोलते हैं, और जो फीमेल्स होती हैं उसको निम्फ्स बोलते हैं। ये मेल के लिए यूज़ किया गया, ये फीमेल के लिए यूज़ किया गया। बेबी इंसेक्ट लुक सिमिलर टू एडल्ट्स। तो जो निम्फ्स होती हैं, फीमेल्स होती हैं, वो भी एडल्ट्स की तरह ही दिखा देती हैं। ग्रास हॉपर एंड ग्रोथ अकर थ्रू मोल्टिंग्स, तो उनकी ग्रोथ होती रहती है मोल्टिंग के थ्रू। देन कंप्लीट मेटामॉर्फिस। तो कंप्लीट मेटामॉर्फिस कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लार्वा लुक नथिंग लाइक एडल्ट्स। तो ये लार्वाज होते हैं वो भी एडल्ट्स की तरह ही दिखाई देते हैं, कुछ उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। द लार्वा पास थ्रू प्यूपल स्टेज टू चेंज इन टू द एडल्ट। तो जो लार्वा स्टेज है वो प्यूपल से ही होके गुजरता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें कि ये जो फर्स्ट फिगर दिखाया गया है यहाँ पे, इसमें एग्स दिखाए गए हैं, जिन एग्स इन एग्स में से ये एग्स है, एग्स के बाद लार्वा बनता है, लार्वा के बाद प्यूपा बनता है, फिर प्यूपा के बाद इंसेक्ट या एडल्ट बनता है। तो इस तरह से लाइफ साइकिल है इसका। तो लाइफ साइकिल कैसे, कितने तरह का होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फिस होता है, इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस होता है, और नो मोटा मेटामॉर्फिस होता है। तो कंप्लीट मेटामॉर्फिस में कौन सा होता है, फॉर बटरफ्लाइज द कैटरपिलर इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। ये इसका एक डिफरेंट, जो फिफ्थ स्टेज भी होती है या फोर्थ स्टेज है, जो इनसे डिफरेंट है वो कैटरपिलर होती है, जो कि सिर्फ बटरफ्लाइज में होता है। तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फिस क्या होता है, इन ग्रास हॉपर्स द यंग रिजेंबल्स द एडल्ट। तो जो यंग होते हैं वो भी यंग एडल्ट से ही रिजेंबल करते हैं। द यंगर स्टेज आर कॉल्ड निम्स। तो यंगर स्टेज को निम्स बोलते हैं। नो मेटामॉर्फ्स द यंग्स आर आइडेंटिकल टू एडल्ट। तो जो यंग्स होते हैं वो एडल्ट की तरह ही दिखाई देते हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं होता, वो सिर्फ जैसे छोटे पैदा होते हैं वैसे ही वो बड़े हो जाते हैं। लेकिन जो कंप्लीट मेटामॉर्फिस होते हैं उसमें वो पहले एग्स होते हैं, फिर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर एडल्ट बनते हैं, इस तरह से इनकी चेंज चलती है। तो ये कंप्लीट मेटामॉर्फिस है, एग, देन लार्वा, देन प्यूपा, देन एडल्ट।
इनकम्प्लीट में एग होता है, फिर निम्फ होता है, फिर निगम बिगर निम्फ एंड देन एडल्ट। तो इसमें प्यूपा स्टेज गायब हो गई। देन हाउ इंसेक्ट्स फीड, तो इंसेक्ट्स कैन बी सेपरेटेड बाय द टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स दे पासेस थ्रू विच डिक्टेट्स द टाइप ऑफ जॉब दे हैव। तो उसके माउथ्स के आधार पे भी उसको डिफ्रेंशिएट किया गया है कि वो कैसे अपना फूड एंगल्फ करते हैं या उनका माउथ पार्ट्स कैसे हैं। तो ये देखो, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज च्यू। तो कुछ जो माउथ पार्ट है वो च्यू टाइप का होता है, वो चबाते हैं। टीयर ऑफ पीसेस ऑफ द टिश्यू एंड ईट इट, वो किसी चीज़ की जिसको के लिए हार्मफुल है वो उसको पीसेस में कट कर देते हैं टिश्यूज को और उसको खा लेते हैं। देन प्लांट डैमेज कॉज्ड बाय पेस्ट विद च्यू माउथ, जो च्यू करते हैं इस तरह से। देखो हम इस यहाँ पे देख सकते हैं कि जो च्यू टाइप्स के हैं उन्होंने यहाँ पे इन प्लांट्स पार्ट्स को खा लिया है, ख़त्म कर दिया। ये च्यू पार्ट्स हैं, ये च्यू टाइप ऑफ आर्थ्रोपोड्स के द्वारा डिस्ट्रॉय किए गए हैं। देन सम कॉमन यार्ड एंड गार्डन पेस्ट विद च्यू माउथ पार्ट्स कौन कौन से हैं, वीवल है, कैटरपिलर, बीटल एंड ग्रास हॉपर। तो ये सब च्यू टाइप के हैं। नेक्स्ट है स्केल्टनाइजिंग। स्केल्टनाइजिंग में क्या होता है, डैमेज कॉज्ड बाय इमेच्योर चीविंग इंसेक्ट। तो इसमें इमेच्योर चीविंग होती है, ये कम्प्लीटली च्यू नहीं करते हैं, लेकिन उसको जो ग्रीन पार्ट है या उसका जो उनके लिए यूजफुल है सिर्फ उसको च्यू करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इस तरह से ये दिखाया गया फिगर में कि ये इमेच्योर बीटल्स के द्वारा इमेच्योर च्यू है। देन अनदर कॉमन टाइप ऑफ माउथ पार्ट इज पिकरिंग और सकिंग टाइप। पीर्सिंग और सकिंग टाइप में क्या करते हैं, ये उसका जो पिगमेंट होता है उसको सक कर लेते हैं, उसमें से जो रस को पी लेते हैं, सैप को ख़त्म कर देते हैं, पीते हैं। दिस इज ए गुड बग। प्लांट डैमेज कॉज्ड बाय पेस्ट विद पीसरिंग और सकिंग माउथ पार्ट। तो जो सक करते हैं वो इस तरह से इसको, इसका जो सैप है वो सक कर लेते हैं, ग्रीन पिगमेंट सक कर लेते हैं और इसको इस कंडीशन में छोड़ देते हैं। वाइट फ्लाइज आर वेरी बैड, तो यू कैन सी इन दिस फिगर ए गुड बग्स दैट ईट वाइट फ्लाइज। तो कुछ ऐसे बग्स भी होते हैं जो वाइट फ्लाइज को खा लेते हैं, मीन्स की जो कुछ की पैरासाइटिक जिसको हम बोलते हैं, मीन्स की जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं या दूसरों को खा लेते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। तो इंसेक्ट्स भी एक दूसरे को खाते हैं, तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है, क्योंकि अगर कोई इंसेक्ट हमारे प्लांट्स को खा रहा है, ये सपोज खा रहा है हमारे प्लांट्स को और एक दूसरा आके उसको खा ले, तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इस तरह से ये कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। सम स्पेसिफिक इंसेक्ट्स फ्लोरिडा मास्टर गार्डनर शुड नो, तो ये कौन, मैंने कुछ फिगर्स लिए हैं। ऑरेंज डॉग कैटरपिलर, तो ये अगर हम इसका देखें बटरफ्लाई का, तो इस तरह से ये कैटरपिलर्स है जो कि प्लांट्स को खा लेते हैं, इसने इस तरह से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, खा लिया है। देन एफिड्स हैं, तो एफिड्स इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, इसमें एग ले कर देते हैं, तो इस तरह से इनको वेस्ट करते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं इसमें एग्स ले किए हुए हैं इंसेक्ट्स द्वारा। देन सम थिंग्स दैट ईट एफिड्स, तो कुछ ऐसे होते हैं जो एफिड्स को खा लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया ये एफिड्स हैं, तो एफिड्स को कुछ खाने के लिए होते हैं जो गुड इंसेक्ट्स हैं हमारे लिए, तो एफिड्स को खा लेते हैं, यानी हमारे लिए फायदे में। लेडी बीटल्स एग एडल्ट्स पूपल्स एंड लार्वास, तो ये दिखाया गया है फिगर में। देन लैकविंग एग्स एंड एडल्ट्स, लैकिंग लार्वा, तो लार्वाज हैं जो कि एडल्ट्स और उसके एग्स को दिखाया है फिगर में। एफिड ममीज पैरासाइटिक वास्प मोल क्रिकेट्स, ये मोल क्रिकेट के द्वारा डैमेज किया गया एरिया है, जहाँ पे उन्होंने देखो कितना सीवियरली डैमेज कर दिया है उसको एरिया को। देन ट्रॉपिकल शॉर्ट वेब वॉर्म चिंच बग्स, दीज आर चिंच बग्स एनिमीज ऑफ लॉन पेस्ट, तो कुछ लॉन पेस्ट के एनिमल्स हैं, एयरविग, रो बीटल्स, बिग आई बग एंड स्टिंक बग्स, ग्रीन स्टिंक बग्स बैड, नॉट स्पिंग ऑन थोरेक्स, दिस इज प्रीडेटर स्टिंकिंग गुड। तो कुछ हमारे लिए बेनिफिशियल है, इन्होंने इसको ख़त्म कर देते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाते हैं, अगर वो हमारे क्रॉप्स को नुकसान करते हैं तो हमारे लिए बैड हो जाते हैं। दिस बैड एंड गुड विद रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन अवर, देन पैरासाइटिक वास्पस, देन प्रीडेटर स्टिंग बग्स,
लीफ माइनर्स फीड विद इन द लीफ, ये लीफ के अंदर ही फीड करते हैं, सिट्रस लीफ माइनर। लेस बग्स, ये लेस बग्स शो किए गए हैं फिगर्स में, ब्लैक डॉट्स ऑफ एक्सक्रेशमेंट ऑन द लीफ अंडर साइड, ये इनका एक्सक्रेटर है जो कि लीव्स को ख़राब कर रहा है इस पर और पैथोजेंस को अट्रैक्ट करता है। देन साउदर पाइन पेट बीटल, ट्री बोरिंग ट्री बीटल, लीफ ईटिंग बीटल्स, थ्रिप्स रास्पिंग सकिंग माउथ पार्ट, देन मील बग्स, टू स्पॉटेड स्पाइडर माइट, स्पाइडर माइट वेबिंग, तो ये वेब क्रिएट करता है, स्पाइडर माइट है, अगर वेब क्रिएट करता है तो उसमें बहुत सारे कीड़े छोटे मोटे और भी इंसेक्ट्स आके फंसते हैं, तो वो उनको ईट करता है, उनको खा लेता है, तो ये गुड भी हो सकता है लेकिन हमारे प्लांट को नुकसान साइमल्टेनियसली कर रहा है, तो ये बैड भी है। देन प्रेडेटरी माइट्स, कुछ प्रेडेटरी माइट्स हैं, ईट बैड माइट्स, तो कुछ अच्छी माइट्स हैं जो कि हमारे लिए फ़ायदा करते हैं, मीन्स की जो दूसरी माइट्स को खा लेती हैं जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। देन आर्मोर्ड स्केल, फ्लोरिडा रेड स्केल, देन स्केल इंसेक्ट्स, देन एशियन साइनाइड स्केल्स, ये इस पे स्केल्स बना दिए इसने, स्केल मीन्स कुछ लेयर एक जो हार्मफुल है वो उसने क्रिएट कर दी है। देन सॉफ्ट स्केल ग्रीन स्केल, ये भी देखो वाइट इस पे स्केल क्रिएट कर दी है इसने, तो ये भी हार्मफुल है। देन स्केल प्रीडेटर एंड पैरासाइट्स, जो स्केल को पैरासाइट प्रीडेटर्स हैं ये उनके उनको ख़त्म कर रहे हैं, लेडी बीटल स्पाइसेस, तो ये हार्मफुल्स को ख़त्म करने में मदद करते हैं। देन पैरासाइटिक वास्पस। सो फ्रेंड्स, ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने डिफरेंट एंटमोलॉजीज के करेक्टरिस्टिक्स को देखा, जो कि इसमें इंसेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आती है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।